श्री द्वारिकाधीश सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, बारंबार बधाई देना चाहते हैं। उनके जन्मदिन पर हर साल बधाई देने के लिए अपनी साइकिल से आता हूं। आज के शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 52वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मंगलमय मेरी शुभकामना है। बर्थडे के दिन क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी को? पूरे विश्व में सबसे विराट हृदय के नेता, विकास पुरुष, श्री द्वारिकाधीश सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, बारंबार बधाई देना चाहते हैं। आज का बहुत बड़ा दिन है, बस उनके लिए, हमारे अखिलेश भैया के लिए शुभकामनाएं कि उनकी ज़िंदगी लंबी हो और हम लोगों के लिए वो संघर्ष जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें और 2027 उनका हो। बहुत नया अंदाज है, ये क्या है पहले तो बताइए। मैं देखिए अखिलेश यादव जी का फैंस हूँ और जहाँ उनके जन्मदिन पर हर साल बधाई देने के लिए अपनी साइकिल से आता हूँ और जहाँ कहीं भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं मैं साइकिल से ही पहुँचता हूँ। मैं चाहे आपका मैनपुरी का चुनाव रहा हो, आम चुनाव रहा हो, घोसी का चुनाव हो, राष्ट्रीय अधिवेशन हो, कोई भी अगर एक दिवसीय दो दिवसीय कार्यक्रम पार्टी के लगते हैं तो मैं साइकिल से ही जाता हूँ और साइकिल यात्री के नाम से पूरा प्रदेश में जाना जाता हूँ। तो हर तरफ आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए एक नया तरीका, एक नया अंदाज के साथ कन्हैया निषाद हैं, ये कुशीनगर से साइकिल यात्री हैं, हर जगह साइकिल से ही जाते हैं। कन्याओं को दिया धन, बेरोजगारों को दिया भत्ता, धन नीति समाजवादी मुखिया तेरी है समाजवादी सत्या, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, मुफ्त होगी। आज हम सबके महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ से उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ और आज देख सकते हैं एक त्यौहार का माहौल है। आप देख सकते हैं हर तरफ जो है कार्यकर्ता में एक उत्साह है, एक जोश है अपने नेता के प्रति और अभी कुछ ही देर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होगा और हम सभी कार्यकर्ता उनसे मिल के उनको जन्मदिन की बधाई देंगे। आज के शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीर्घायु हों और हम लोगों का नेतृत्व हमेशा करते रहें और जिस तरह का जीत मिला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और आने वाले 27 जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम लोगों नेतृत्व करें, प्रदेश का नेतृत्व करें, जैसे 2012 से 17 तक प्रदेश का विकास किए उसी तरह 2027 में मुख्यमंत्री हों तो लगातार प्रदेश के विकास को आगे ले जाएं। देखिए मैं एक बेरोजगार नौजवान हूँ और आज जब मैंने देखा कि विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत हुआ है तो मैंने मनोबल बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरडी अखिलेश यादव जी का जो आज जन्मदिन है तो हम लोग बधाई देने आए हैं कि हमारे मुद्दों को भी और अच्छे तरीके से उठाएंगे जिससे जितने भी देश प्रदेश के नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सके। हम लोग चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दीर्घायु हों, सतायु हों और विपक्ष में रहकर ये देश के जो ज़रूरी सवाल हैं उठाकर हम लोगों का न्याय दिलाने का कार्य करें। देखिए आज सबसे पहले तो आपके चरण के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो पीडीए के जननायक हैं, जो योद्धा हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। आप देख लीजिए कितना उत्साह है लोगों के अंदर। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके साथ साथ उनके 52वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगलमय मेरी शुभकामना है कि इनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहे और भविष्य में जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। और नेताजी का जो सपना था कि समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों की कामना है कि भविष्य में जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी के सपना को साकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभालें। हार्दिक शुभकामनाएं देंगे जन्मदिन की और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार भैया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और यूपी में बहुत अच्छी सीटें निकली और भैया जी से आशीर्वाद लेने आए।